नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं प्रेसवासी कर। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहां हम बात करेंगे बेबी टैज वाइटनिंग क्रीम की। इसकी पूरी जानकारी के लिए इसमें क्या अलग है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर टिप्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये जो बेबी टैज वाइटनिंग क्रीम है, ये 50 ml की पैकेजिंग में आती है और जो इसका प्राइस है वो है 2500 rupees। ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। अब ये बहुत ही कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं उन्हें देखेंगे। इसमें कैपर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एक फूल की कलियां होती हैं, ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं, अंदर से हील कर देती हैं। अगर जैसे कि आपने कभी स्टेरॉयड यूज़ की है, आपकी स्किन में कोई भी ग्लो नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे जल गई है, बर्न हो गई है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आपकी स्किन को ये अच्छे से हाइड्रेट करती हैं। साथ के साथ कैपर्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, तो ये उस पर भी काम करता है। इसमें ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, इसीलिए ये जो क्रीम है आपकी स्किन टोन को लाइट करती है। इसमें ऑलिव का यूज़ किया गया है, ये भी स्किन को मॉइस्चराइज करने में, रिंकल्स को दूर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही इसमें राइस का इस्तेमाल किया गया। सभी जानते हैं जो राइस होता है वो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो यही इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए गए हैं। मेल फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। इसको आपको दिन के टाइम ही इस्तेमाल करना है, अपने फेस को वॉश करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, 1 मीटर के दाने जितनी, पूरे चेहरे पे मसाज करते हुए लगा लेना है, फिर ऐसे ही छोड़ देना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।